सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और साथ ही बजाएं घंटी का बटन ताकि आपको मिल सके हर वीडियो सबसे पहले। राम राम जी। आज आप लोग का स्वागत है राज का ढाबा डॉट कॉम में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ नारियल की चटनी। नारियल की चटनी बनाना बहुत आसान है और रोटी पराठे इडली बड़ा जिसके साथ आपका दिल करे उसके साथ खाएं। नारियल की चटनी सारी चटनी से टेस्टी चटनी होता है, हरी चटनी मीठी चटनी इसका टेस्टी अलग होता है। तो इस तरह से बनाएं। ये देखिए, एक नारियल हमने दिया है, 100 ग्राम मूंगफली के दाने, एक बड़ा चम्मच उड़द बिना छिलके वाली दाल, 50 ग्राम चने की दाल और 8-10 पत्ते कड़ी के पत्ते हैं और 4-5 लाल मिर्च साबुत है। और यहीं पे छोटा 1/4 चम्मच सरसों है, आप पीला काला कुछ भी दे सकते हैं। 5-6 कलियाँ लहसुन का है, एक टुकड़ा अदरक का है और 4-5 हरी मिर्च है। यह हमारी सारी सामग्री है नारियल की चटनी की। एक हमने पैन लिया है और पैन में 1 छोटा चम्मच रिफाइन ऑयल डाल दिए हैं और इसी में हम जो उड़द का दाल दिए थे 1 चम्मच वो भी इसमें डाल देते हैं और इसको हम हल्का रोस्ट कर देंगे क्योंकि इसे हमें पीसना होता है। उसके बाद हमने जो 50 ग्राम चने का दाल दिया था वो भी इसी में डाल देते हैं। और इसी में डाल देते हैं जो हमने 100 ग्राम मूंगफली के दाने दिए थे वो भी इसी में हम डाल देते हैं और अदरक लहसुन हरी मिर्च जो दिया था वो भी इसमें डाल देते हैं और इसको हम हल्का रोस्ट कर देंगे 2 मिनट के लिए, थोड़ी सी इसकी खुशबू बढ़िया आ जाए, हल्का भुन जाए ये। और इसके बाद इसको हम पीस देंगे। तो यहीं पर हम 1 गिलास पानी डाल देते हैं। ये 2 मिनट हमने इसको भून दिया है और इसी में हम पानी डाल देते हैं और इसको गैस बंद करके इसको हम ठंडा कर देंगे और ठंडा करके इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे यानी कि नारियल की चटनी के लिए। एक दूसरे बर्तन में हम निकाल देंगे ठंडा होने के लिए और नहीं तो इसी में ठंडा करके हम मिक्सी जार में डाल देंगे। ठंडा करके ही इसको पीसे। और इधर हमने जो नारियल दिया था उसको बारीक बारीक इस तरह का काट दिया है और इसको हम पीस देंगे। ये नारियल की चटनी की वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के नारियल को बिल्कुल एकदम फाइन पेस्ट बना देना है। थोड़ा पानी डालें और फिर पीसें। ये देखिए कितना बड़े नारियल की चटनी हमारी पीस गई है। इधर हम एक पैन लिए हैं और पैन में इसका तड़का तैयार कर देते हैं। यहीं पे हमने लिया है 1 चम्मच रिफाइन ऑयल, उसी में डाल दिया है जो हमने तड़का लिया था सरसों डाल दिए हैं, इसी में लाल मिर्चा जो दिया था वो भी डाल दिया है और थोड़ा लाल मिर्चा भून जाए बढ़िया से तो हम इसी में डाल देंगे कढ़ी पत्ता। देखिए हमारा मिर्ची भून गया है, इसी में डाल देंगे हम कढ़ी पत्ता और कढ़ी पत्ता को भी भून देंगे हम। और जो उधर हमने नारियल की चटनी पीस रखा है उसी के लिए तड़का तैयार कर रहे हैं तो इसी में इसको डाल देंगे। ये देखिए इसी में इसको डाल दिए हैं। इस तरह से बनाएं नारियल की चटनी और हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी नारियल की चटनी कैसी बनी। यहीं पर हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। आपका पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी।